गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज जो अपन टॉपिक अपने इस HRM की यूनिट नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सिलेक्शन। तो जैसे लास्ट लेक्चर था अपना लेक्चर नंबर 14, उसमें अपन ने पढ़ा था ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट का मतलब था ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। तो उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन आज जो प्रोसेस कर रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू या फिर इंटरनेट मीडियम के थ्रू प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एप्लीकेंट्स जो अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं वो भी थ्रू ऑनलाइन भेज रहे हैं, ऑनलाइन ही उनका इंटरव्यू हो रहा है और ऑनलाइन ही थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिलेक्शन एंड अदर थिंग्स को पॉसिबल बनाया जा रहा है। तो आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट काफ़ी तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन यूज़ में कर रही हैं। आज जो टॉपिक अपन बात कर रहे हैं वो है सिलेक्शन। देखिए, अब हमने रिक्रूटमेंट तो बहुत जगह पढ़ लिया कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, कैसे किया जाता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन तरीक़ों से कंपनी रिक्रूटमेंट करती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है कि जब आप राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन देखिए कि राइट पर्सन को सिलेक्ट करना पहली चीज़ तो ये। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि किसी भी वैकेंट जॉब पे जो पर्सन काम करेगा उसके अंदर कौन सी स्किल्स, उसके अंदर क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी इस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर हम देखते हैं। तो इफ़ेक्टिव सिलेक्शन तो तभी माना जाएगा कि जब हमारे लिए राइट कैंडिडेट राइट जॉब पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम राइट कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे। मोर ओवर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए कई बार अगर हमने राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया तो या तो वो पर्सन जॉब छोड़ देगा या वो बार बार क्या करेगा, उस वर्क से एक्सक्यूज करेगा यानी छुट्टियां मांगेगा, एब्सेंट रहने की कोशिश करेगा और फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी टर्नओवर की प्रॉब्लम। तो राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं, अपनी टाइम बचा सकते हैं। तो ये हम एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू कर रहे हैं। बट सिलेक्शन देखिए, मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिक्रूटमेंट क्योंकि ये दो फेजेस हैं। रिक्रूटमेंट को अगर हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं तो सिलेक्शन उसके लिए नेगेटिव प्रोसेस में आता है। पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव में तो एप्लीकेंट्स को हम कह रहे थे कि आप सभी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं यदि आप मेरी इस रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं। जबकि सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमें लग रहा है उसको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव, देन सिलेक्शन इज अ नेगेटिव। यदि हम प्रोसेस की बात करें तो मैं आपको एक प्रोसेसर दिखाता हूँ। देखिए प्रोसेसर क्या दिखा रहा है हमें, सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस पढ़ते हैं कि हमारे को कौन सी जॉब किया, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपने जॉब आइडेंटिफाई की थी ना उसको आप अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बता रहे हो। एडवर्टाइजमेंट के बाद कैंडिडेट्स या पोटेंशियल कैंडिडेट्स आपको एप्लीकेशन भेजते हैं, चाहे तो आप रिटन टेस्ट करवा सकते हैं। रिटन टेस्ट के बाद जो सिलेक्शन बच्चे कैंडिडेट्स होते हैं उनका आप इंटरव्यू करवाते हैं। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको इनिशियल जॉब ऑफरिंग की जाती है। इनिशियल जॉब ऑफरिंग लेने के बाद वो कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और जिस दिन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उस दिन उनका ओरिएंटेशन यानी कि इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है। ये ओवरऑल एक सिलेक्शन प्रोसेस माना जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका जॉब एनालिसिस, अ वेरी फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का जॉब एनालिसिस। यहाँ जो HR डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, वो अपनी उस वैकेंट जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन,
जो उसके लिए रिकॉर्डिंग तैयार कर रहा है कि जो आपके यहाँ जो जॉब खाली है उस जॉब पे जो पर्सन काम करेगा उसको उसमें क्या काम करना है, इसका डिस्क्रिप्शन एनालिसिस हम तैयार कर रहे हैं। तो ये जो है वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है कि आपको जॉब कैसी करनी है, कौन सी जॉब है। तो इसमें आपकी जॉब का नाम, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पर्सन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कैसी वर्किंग कंडीशन है, ये सारी चीज़ें हम इस जॉब एनालिसिस के अंदर बताते हैं। अब हमने जॉब को एनालाइज कर लिया, समझ लिया कि हमारे यहाँ कौन सी जॉब खाली है और इसके लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या फैक्टर्स हमें चाहिए, क्या क्या फीचर्स हमें चाहिए पर्सन के अंदर। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है, आपने जो ये फर्स्ट स्टेप पे इंफॉर्मेशन ली थी ना कलेक्ट, अब आपको किसी भी नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर उस चीज़ को पब्लिश करवाना है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में इस एक जॉब ही खाली है और इस जॉब को करने के लिए हमें पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ और ये उसकी स्पेसिफिकेशन, ये उसकी क्वालिफिकेशन, ये उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कन्वे करते हैं थ्रू न्यूज़पेपर अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को। फिर आता है तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म। तो या तो कैंडिडेट अपना रिज्यूमे के साथ एक एप्लीकेशन हैंड रिटन भेज सकता है और या क्या कर सकता है, या तो वो इस इंफॉर्मेशन को हम जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये ब्लैंक इन्फॉर्मेशन हम चार तरीके के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से में करते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड। ये जो एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली आजकल गवर्नमेंट के अंदर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के अंदर किया जाता है। जब कोई पर्सन, जैसे आज गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई जॉब निकाली और आप उस जॉब को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर या ई मित्र पर जाके क्या करते हैं, आप उस जॉब को ओपन करवाते हैं और उसमें जैसे ही आप उस जॉब को क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म में चार पार्ट ने हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो पेज ऊपर होता है ये होता है उसका पर्सनल डिटेल, उसके खुद के बारे में। फिर उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर हम उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और चौथे में हम उसकी फैमिली के बारे में पता करते हैं। तो हमें इस एप्लीकेशन से वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं जो हमें उस जॉब के पर्पस से चाहिए। फिर जो भी जितने भी कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, उन सबको एक्सेप्ट होने के बाद जो भी हमने किया, उनके लिए हमने एक एडमिट कार्ड या हॉल टिकट इशू किया और नेक्स्ट पर पहुँच गया रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी पर्संस ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही भरा था उन्हीं को आप एडमिट कार्ड इशू करोगे और जिनके एप्लीकेशन फॉर्म अधूरे थे या इनकम्प्लीट थे उनको आप क्या करोगे, आउट कर दोगे। तो आपने यहीं पे फर्स्ट स्टेज पे ही क्या कर दिया, स्क्रूटनिंग कर दी। अब जो लोगों को आपने एडमिट कार्ड दिए उनको आपने रिटन टेस्ट के लिए बुलाया, उनके लिए आपने रिटन टेस्ट का अरेंजमेंट किया और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है, एचआर डिपार्टमेंट देख रहा है। तो यहाँ पे क्या उनकी से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, उनका आंसर्स क्या होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। अब आता है इंटरव्यू। देखिए जो लोगों ने रिटन एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है उनका इंटरव्यू। तो ये एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है जो इंटरव्यू को कंडक्ट कराता है, वो होती है एचआर डिपार्टमेंट की, क्योंकि वही इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा है। उसी का काम है कि वो पैनल को या इंटरव्यूअर्स को फाइनल करे, उन्हीं का काम है कि उनके रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन देना कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल कब रखा गया है, कहाँ पे आपको पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके आने हैं। ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट करता है। एचआर इंटरव्यू के बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जिन लोगों ने इंटरव्यू को सक्सेसफुली कर लिया, यानी दो कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो गए, उनका अब मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है।
ये नॉर्मली डिफेंस में ज़्यादा किया जा रहा है आजकल, पर ये आजकल कुछ चीज़ें ख़त्म होती जा रही है मेडिकल। अब आप मेडिकल एग्जामिनेशन आप चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर रखा है तो उनसे आप ला सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल से आप इसको अरेंज करवा सकते हैं कि वो आपको मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट इशू कर दें। उसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरा कर देते हैं सबमिट, देन आपको इनिशियल जॉब ऑफर दिया जाता है। इनिशियल जॉब ऑफर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी सैलरी, कंपनी का नाम, टर्म्स ऑफ कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कोई बॉन्ड अगर वो साइन कराना चाहता है तो वो, ये सारी चीज़ें हम उस ऑफ़र लेटर के अंदर लिखते हैं और कैंडिडेट को समय दिया जाता है कि आप इस ऑफ़र लेटर की कंडीशंस को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी आपको लगता है आप वो मेंशन करके इसको वापस करते देन आफ्टर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, मान लीजिए हमने कहा कि हमें टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट थी, सब कुछ सही है, तो आपने को क्या करना है, आपको उस ऑफ़र लेटर के ऊपर एक्सेप्ट करके उस पर डेट डाल के HR डिपार्टमेंट को वापस देना होता है, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है और आप इस जॉब को करने के लिए क्या हो, रेडी हो। और आफ्टर एक्सेप्टेंस लेटर आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंपनीज 1 महीने में करती हैं, कुछ 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद और कोई 1 साल के बाद। तो जो भी आपके ऑफर लेटर में लिखा था अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर भी वही चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे सैलरी, बेनिफिट्स, मेडिकल लीव, EL, कैजुअल लीव, CCL, HRA, PF, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताई जाएंगी और आपको एक एग्रीमेंट कहा जाएगा कि यू आर अपॉइंटेड एज ए, जो भी आपका डेजिग्नेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है इंडक्शन। आफ्टर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर आप जिस दिन से भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो, ये कंपनी का अलग अलग होता है, मैं बता दूं कुछ कंपनीज अपॉइंटमेंट लेटर हैंड टू हैंड दे देती हैं जब आप उनको एक्सेप्टेंस लेटर देते हो, और कुछ कंपनीज क्या कहती हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस क्या करती हैं, ठीक है वो आपको एक डेट बताती हैं कि आप इस डेट से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस दिन आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो उस दिन आपके लिए इंडक्शन सेशन रखा जाता है, जहां पर आपको कंपनी के अदर एम्प्लॉयज़, आपके डिपार्टमेंट हेड्स, अदर डिपार्टमेंट हेड, कलीग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और आपको वर्किंग कल्चर और वर्किंग पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक अपना सिलेक्शन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।